welcome back. Thank you again for watching Sunday Brunch with Lubna. And of course, bada hi yahan pe jab break pe hum gaye the, bade hans rahe the, bada mazak kar rahe the yahan pe, because we have the experts with us, jo bahut mahir hain logon ko hasane mein. Aur ab wapas hum aapke saath aayenge. Samaan sahab, aap kuch hamare viewers ko sunaye jisse un logon ko hansi bhi aaye kuch. पहले मैं कुछ दूसरे लोगों के एक दो शेर मजाया सुनाता हूँ, फिर उसके बाद मैं अपनी क्या बात कर रहा हूँ. और वो ये है कि न दादा पे रोए न दादी पे रोए. क्या बात है. न दादा पे रोए न दादी पे रोए, न मामू हमारे मुमानी पे रोए. वाह. मगर देखकर मुगले आजम जो आए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए. क्या बात है. वाह. उसके बाद एक ईद की नमाज में सामने नया जूता रख देते हैं सफ़ के सामने मैदान के, तो वहाँ एक शायर पढ़ रहे थे, अपना नया जूता आगे रख दिया. वहाँ से मौलवी साहब गुजरे तो उन्होंने जैसे ही सलाम फेरा, उन्होंने कभी आपका तो सजदा आपने जूतों के सामने किया है तो आपकी तो नमाज ही नहीं हुई. वो शायर आदमी थे, उन्होंने फ़ौरन शेर दाग दिए. कहा एक मौलवी ने देख कर जूता मेरे आगे, कहा एक मौलवी ने देख कर जूता मेरे आगे, अगर हो सामने जूता तो फिर सजदा नहीं होता. कहा मैंने बजा है आपका इरशाद ही, लेकिन अगर पीछे रखें जूता तो फिर जूता नहीं होता. क्या बात है. चोरी हो गया. उसके बाद कहते हैं, जो कहती है दुनिया वो सच है ए बेगम, कि मैं तेरे जेरे असर आ गया हूँ. कहा बॉस ने तुम जहन्नुम में जाओ, मैं दफ्तर से सीधा ही घर आ गया हूँ. क्या बात है. कहा बॉस ने तुम जहन्नुम में जाओ. अच्छा, इसके बाद मैं अपनी छोटी सी एक वो है जिसमें मैं मजाहिया सेगमेंट है कि उसमें ये दुनिया मैंने ठुकराई बहुत है. वाह. तो उसके लिखा है, हसीनों के हसी चक्कर में अक्सर हजामत मैंने बनवाई बहुत है. वाह वाह. हजामत बड़ी मैंने. बड़ी खुश थी रकीबों से वो मिलकर, मुझे देखा तो घबराई बहुत है. बरसने को हैं वो तैयार आँखें, कहीं काली घटा छाई बहुत है. गई बिजली तो उस चेहरे का मेकअप, यूं लगता है यहाँ काई बहुत है. दबा ली उंगलियाँ दांतों में अपनी, मुझे पाकर वो शर्माई बहुत है. क्या बात है. अगरचे आम सी गजलें हैं मेरी, मगर इनकी पजीराई बहुत है. वाह वाह. ये लॉकेट मैं तुम्हारी नज़र करता, ये लॉकेट मैं तुम्हारी नज़र करता, मगर इसकी तो बनवाई बहुत है. वाह वाह. मैं बच सकता नहीं हूँ डूबने से, कि इन आँखों में गहराई बहुत है. क्या बात है. ज़रा सी भूल पर खातिर को मेरी, तुम्हारा एक भाई बहुत है. सजा दूँ टाइलों से तेरे घर को, मगर इनकी तो रगड़ाई बहुत है. क्या बात है. गज़ल लिखवा के औरों से हूँ पढ़ता, जलाली मुझ में दानाई बहुत है. तुम्हारी शायरी पर ऐ जलाली, यहाँ सबको हंसी आई बहुत है. क्या बात है. लड़की वालों ने पूछा तुम्हें कितना जहेज दें, आपने कहा बस एक चारपाई बहुत है. चारपाई बहुत है. नहीं. अच्छा जी. तो बहुत ये आप मुझे भी बोला था कि आप जैसे पढ़ रहे थे, जो आपका पैशन होता है कि दिल से आदमी कर रहा होता है, तो आपको बहुत वो आपके अंदर है. आई एम सेइंग क्या माशाल्लाह अंदाज़े बयां. एक मैं वो टाइम लूँगा आपका थोड़ा सा. पहली गज़ल जो मेरी थी वो 1984 में मैंने लिखी थी, और मिसरा तरह था कि दिल की बातों में क्या आना, दिल तो एक दीवाना है. दिल की बातों में ना आना, दिल की बातों में क्या आना, क्या आना? दिल की बातों में क्या आना, दिल तो एक दीवाना है. तो मेरी बीवी का नाम है फरजाना. तो मैंने कहा ये तो भाई मैं कुछ लिखूंगा इस पे, तो उसके चंद शेर अगर आप इजाजत दें तो मैं तरन्नुम से पढ़ूं. बीवी के लिए तो ऑफ कोर्स मैं कहूंगी. फरजाना जो है वो पहली वाली थी जी, अभी तक तो 42 साल से वही है. दुआ फरमाई आप ये वाली दवा हमें भी बताइए. एक ही मन कुहा के साथ 42 साल गुजारे. सीक्रेट मैं आपको बाद में बताऊंगा. नहीं. हाँ. वो सीक्रेट बताइएगा जो उनसे छुपाए हैं. अच्छा वो. हाँ. दिल को तुम इल्जाम न दो, दिल अपना मस्ताना है. दिल की बातों में क्या आना, दिल तो एक दीवाना है. ये मैं मुख्तसर कर रहा हूँ. छोड़ के जाने वाली मुझको खुद भी तू पछताएगी, छोड़ के जाने वाली मुझको खुद भी तू पछताएगी. लब पे हरदम ही रहता नाम तेरा फरजाना है. लब पे हरदम ही रहता नाम तेरा. और मक्ता है, चोटें फुरकत की खाता है, अब तो जलाली शामो सहर
چوٹیں فرقت کی کھاتا ہے اب تو جلالی شام و سحر توڑ کے سارے بندھن آ جا گھر اپنا ویرانہ ہے توڑ کے سارے بندھن آ جا گھر اپنا ویرانہ ہے ایسا اکثر ہوتا ہے کہ جب گھر میں ویرانہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے گھر میں جب ویرانہ ہوتا ہے تو آپ اکثر کہہ دیتے ہیں کسی سے کہ چھوڑ کے سب کچھ آ جائے نہیں 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 اچھا یہ پرسنل ہو رہے ہیں تبھی تو میں کم بول رہی ہوں آج کے شو میں جی تبھی تو میں کم بول رہی ہوں آج کے شو اصل میں کیا ہوتا ہے ہم لوگوں کو بولنے دیں نہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جو بات آدمی نثر میں نہیں کہہ سکتا وہ شاعرانہ انداز میں کہہ دیتا ہے جی چلیں اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا ہمارے ویورز کو سنانا چاہیں گے دیکھیے میں تو سنا تو بہت کچھ سکتے ہیں آپ لیکن جو چیز نہیں اصل میں تو وہ سناؤں گا کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو انسان کو کبھی بھی اور کسی بھی وقت ہو سکتا ہے جی اور پہلی نظر میں ہی ہو جاتا ہے جی اور کسی سے بھی ہو جاتا ہے جی لیکن اظہار کے مواقع کم ملتے ہیں ممکن ہے کہ ان کے گھر والی بھی راضی ہوں امی سے بھی ملاقات ہو چکی ہو لیکن پتہ نہیں کیوں جو ہے وہ بات نہیں بن پا رہی امید ہے تو کسی نے کہا آپ یہاں رک جائیے یہیں پر ہی اچھی جگہ ہے میں نے کہا میں تو یہاں رکنے کا بہانہ تلاش کر رہا ہوں صحیح جی کیونکہ سلپ ولپ ہونے والا معاملہ تو ختم ہو گیا ہاں یہ ہے کہ کسی کو دیکھ کر سلپ ہوا جائے تاکہ اس پہ الزام بھی دھر دیا جائے کہ بھائی آپ کی وجہ سے ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے تو اس لیے کوشش یہ ہے کہ کوئی بہانہ ایسا ملے بالکل اور اگر بہانہ نہ ملے آپ کا تو واپس ہاں وہ پھر میکسیکن ہی ٹھیک ہے میکسیکن اچھا مجھے آپ سے بات پوچھنی تھی آپ کے جو جتنے بھی ہیں جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے کسی نے کچھ اور بھی لکھا تو آپ نے پڑھا تو آپ کیا یہ خود اوریجنل آپ کرتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے جیسے آپ نے یہ پھول دیکھے تو آپ کے اس پہ کچھ کہہ دیں گے آپ دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے کہ جب کبھی اس طرح کے اب جیسے یہ پھول کی بات آپ نے کہی تو ہم نے کہا کہ کچھ پھول ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پھول دینے کا مزہ آتا ہے کچھ ایسے پھول ہوتے ہیں جنہیں پھول دینے کا مزہ آتا ہے کچھ ایسے جی لیکن اصل میں ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتا کیونکہ امی بھی دیکھ رہی ہوں گی نا تو کچھ ایسے پھول ہوتے ہیں اور یہ آپ نے ابھی کہا ہے تو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں نے اس سے پہلے نہیں کہا کچھ لوگ ایسے پھول ہوتے ہیں جنہیں پھول دینے کا مزہ آتا ہے لیکن اگر آپ کسی کو پھول دیں اور پھر وہ خوشی سے پھول جاتا ہے اور پھر کچھ عرصے بعد ایک اور پھول دنیا میں آ جاتا ہے تو یہ پھول دینے کی وجہ سے بالکل اور ہر جگہ الگ الگ پھول ہیں ہر جگہ الگ پھول ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیسے آپ انسپریشن آپ کو کبھی ہوا تھا میں اسے پوچھ رہی ہوں جو لوگ دیکھ رہے ہیں سب سوچ رہے ہوں گے کاشف خان کے بارے میں میں اتنے بجے کب شروع کیا آپ نے کیوں شروع کیا تو یہ انسپریشن کہاں سے آپ کو آیا یہ بہت ضروری سوال تھا مجھے نہیں میں نے بتایا کہ انسپریشن نہیں میرا تو ایکسیڈنٹ ہوا تھا کیونکہ میں تو سوچا نہیں تھا کہ مجھے کامیڈی کرنی ہے لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ایکٹنگ کرنے میں تو پیسے نہیں ملتے اس زمانے میں پہلا چیک ٹی وی کا 145 روپے کا ملا تھا 6 مہینے کے بعد وہ ابھی رکھا ہوا میرے پاس خیر لیکن مذاق کی بات نہیں ہے حقیقت یہ کہ پیسے نہیں ملتے تھے اور بڑی مشقت بڑا رگڑا لگانا پڑتا تھا سفارش ڈھونڈو یہ کرو وہ کرو پروڈیوسروں کے گھر پانی بھرو جا کے ان کے مسائل سبزی لے کر آؤ یہ کرو بچوں کو اسکول چھوڑو اس طرح کے مسائل ہوتے تھے تو ہم نے کہا کہ اس کام سے بہتر یہ ہے کہ تھیٹر کیا جائے اسٹیج تو اسٹیج پہ بھی جو کامیڈی ہوتی تھی وہ ہمارے مزاج سے میل نہیں کھاتی تھی کیونکہ وہاں وہی ابے تو تبے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے گھر میں ممکن ہی نہیں تھی تو ہم نے سوچا کہ چلو پھر لائیو شوز میں کمپیئرنگ کرتے ہیں اب جب کمپیئرنگ کی طرف آئے تو لوگوں نے کہا یار آپ کمپیئر کرتے ہیں شو کو تو بڑا ڈرائی سا ہوتا ہے کہ خواتین زاد آئیے آج ہم آپ کو ملواتے ہیں ایز اے سنگر سے اچھا گاتے ہیں دنیا بھر میں پرفارمنس کری ہے اب آپ کے سامنے آ رہے ہیں فلاں تو بولے یہ بہت ڈرائی ہوتا ہے تو آپ کچھ ایسے شعر وغیرہ یا کچھ ایسی چیز کر لیں تاکہ لوگوں کو وہ تھوڑا ٹائم بھی تو ہم نے کچھ اشعار یاد کر لیے تو وہ بھی بڑے اکثر لوگوں نے سنے ہوتے تھے مشہور شاعر شعر جو تھے تو پھر سوچا کہ کچھ اس میں نا تضمین ہونی چاہیے تھوڑی سی تاکہ معاملات ذرا اچھے ہو جائیں تو پھر ہم نے کچھ ایسے اشعار پکڑ کے ہاں کچھ اپنا مزاج اس میں ڈالا تو وہ پھر کامیڈی کی طرف گئے تو کیونکہ اردو پر کافی الحمدللہ ہماری کمانڈ تھی اللہ کا شکر ہے کیونکہ ہم اردو میڈیم کے پڑھے ہوئے تھے جی ہاں وہ پڑھے بھی ایسے پڑھے تھے کہ بس وہ کہہ لیں گے پڑھائی میں اچھے تھے نہیں وہ بولا کتنے پڑھے ہم نے بولا بہت پڑھے گھر میں پڑھے رہتے بولے نہیں پھر بھی کتنا پڑھے بولے بہت پڑھے ادھر سے پڑھے کبھی ادھر سے پڑھے پھر کسی کے یہاں جا کے پڑھے
लेकिन ज़ाहिर है इंसान जो है वो हर जगह तो पढ़ा नहीं रह सकता जी, बिल्कुल कुछ और। तो खैर हमने फिर जो है वो थोड़ा बहुत उर्दू की तरफ, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शामिल करके तो ज़रा माहौल अच्छा बन जाता था जी, बिल्कुल। तो आप मुझे आपने कहा कंपेयरिंग के साथ आप करते थे, तो हमारे व्यूअर्स जो आपको देखते हैं तो क्या हमारे व्यूअर्स के लिए आप कहना चाहेंगे, या आपके फेवरेट, अब ढेर सारे आपके हैं, मैं फेवरेट की पर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जो आपको लगा कि बहुत सारे लोग बस हंस हंस के गिर गए, आपकी स्पीड भी बहुत होती है आई नो, कि आप बहुत तेज़ी से बोलते हैं, तो असल में एक काशी भाई एक स्पीड पे ज़रा मुझे भी सुना दी, हमने तो कभी स्पीड देखा पे, हाँ। वो बता रहा कि वो यहीं पर हुआ ऐसा, ये जैसे हम अमेरिका में आए तो वो एक मैंने देखा कि एक चालान कर रहे थे पुलिस वाले ने, एक जो नया आया था उसका चालान कर दिया, तो उसने कहा भैया मेरा चालान क्यों कर रहे हो, तो बोला आप ओवर स्पीडिंग कर रहे थे, बोला नहीं मैं तो ओवर स्पीडिंग नहीं कर रहा था, बोला आपकी स्पीड कितनी थी, बोला 95, मैं तो 95 पे जा रहा था, बोला लेकिन स्पीड तो यहाँ पर 60 है, बोला देखो वो क्या लिखा हुआ है, जगह जगह लिखा हुआ 95 95, तो बोला भाई ये हाईवे का नंबर है 95, तो बोला चलो शुक्र है मैं 95 पे जा रहा था, 295 पे जाता तो क्या होता, बिल्कुल तो हालात जो हैं वो, तो इसी तरह कहीं ना कहीं गुफ्तगू में, अब जैसे हम जैसी पहनी यहाँ पर एक स्टोर है, तो वहाँ पर हमारे एक दोस्त हमें ले गए कुछ शॉपिंग के लिए, तो हम गए और खाली हाथ वापस आ गए, तो बोले आपने कुछ ख़रीदा नहीं, मैंने कहा नहीं, बोले मगर आपने एक शर्ट ट्राई तो की थी, मैंने बोला हाँ जैसी पहनी वैसी उतारी, तो आ गए जैसे पहनी वैसे उतारी, बिल्कुल। तो इस तरह करके कहीं ना कहीं अपनी गुफ्तगू में गुफ्तगू का मजा आता है, बिल्कुल। और आपने बड़ी प्यारी बात की कि उर्दू की जो जबान है, एंड आई थिंक यहाँ पे रहते हुए और जैसे TV1 पे ये शो आप देखते हैं और शोज भी देखते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जबान में भी बात करें, क्योंकि जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको भी आना चाहिए कि ठीक है हमारी जबान, और कुछ उर्दू के वर्ड्स ऐसे होते हैं, अब मुझे कोई वो नहीं है, आई एम नॉट एम्बैरस्ड टू से कि मुझे हर लफ्ज़ उर्दू का नहीं आता है, क्योंकि जब आप यहाँ पे उर्दू जितनी अच्छी है, हम खुद अंगूज बदंदा रह गए आपकी इस गुफ्तगू को देख के, ठीक है, तो जी जी बिल्कुल, लेकिन ये जरूरी है कि अगर बड़ी शीरी ज़बान है उसे उर्दू, बेपना बिल्कुल, ठीक है, शीरी आई हैं या अभी आने वाली है, क्या आप कुछ कह रहे थे, मैं हमें कुछ कहना चाह रहे थे, उन्होंने कह दिया आपको पता ही नहीं चला, मैं ये कह रहा था कि मजा आई है फिर कहें एक दफ़ा अब देखिए मेरे पता देखिए ओके मैं बता देती हूँ हमारे व्यूअर्स को कुछ, देखें बात यह है कि यहाँ पे जब आप पलते पढ़ते हैं, मैं यहाँ पे किंडरगार्टन में, आपको एक बात बताऊं जी, बताइए, कुछ काम ऐसे होते हैं जो किए जाते हैं, कुछ हो जाते हैं और कुछ करने पड़ते हैं, और वैसे भी अमूमन अक्सर पेशतर कमों पर ज़्यादातर लोग कभी भी इस तरह के सवाल आपसे करें तो आप उनके जवाब उससे अंदाज दिया कीजिए, ये सुनना चाह रहा था ये, बिल्कुल ये कह दिया, ये सुनना चाह रहा था काशी भाई, चले ये आपने कह दिया और अब हमें शो भी रैप अप करना, हालांकि इतनी जल्दी बता दिया, मुझे कान में ना बताते रहते हैं, ये कौन है जो आपके कान में ये सब डाल, चले मैंने अब आपको पहले तो पहले आपको थैंक यू कहना था कि आप आए, आई नो आपको वापस, अब आपने मुझे थैंक यू बोले ना, मैं भी आपको थैंक यू जी, मैं आपको वही थैंक यू कह रही हूँ, थैंक यू सो मच, मैं भी बोलूंगा थैंक यू, ठीक है, थैंक यू सो मच कि आप आए, मुझे कहें आप बोले ना, ठीक है आप बोलें, अब मैंने थैंक यू आपको कह दिया, अब आप मुझे थैंक यू कह दें, जी जी मैं थैंक यू कर देना चाहता हूँ, आपकी मोहब्बतों का, चाहतों का, राहतों का, रफ़क़तों का, रकाबतों का, अदावतों का, साथों का, शुक्रिया प्यार का, इजहार का, इनकार का, इकरार का, तकरार का, इस बार का, उस बार का, आपके घर बार का, सारे परिवार का, और सबसे बढ़कर आपके बहुत सारे प्यार, वाह वाह जिंदाबाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड अगेन थैंक यू फॉर कमिंग आउट, आपका नाम लुबना है, माशाल्लाह नाम लुबना है, और आप लुबना के शो पर आए, थैंक यू अगेन, और इंशाल्लाह आप सब 100th एपिसोड पर भी मुलाकात होगी इंशाल्लाह, ठीक है, और आपको भी मैंने थैंक यू कहना था कि आप भी आए वक्त निकाल के, थैंक यू सो मच कि आप आए और आपने हिस्सा लिया और इतना हंसाया और बातें की, थैंक यू, मैं तो इसी शहर में रहता हूँ जी, आप नहीं, लेकिन हकीकत ये है कि इस शहर में रहने का मकसद ये नहीं कि घर की मुर्गी दाल बराबर हो, इन्होंने जो कुछ भी कारगुजारी की है माशाल्लाह, और आप देखें कि जितना मटीरियल है, इस मटीरियल के बारे में मैंने एक लफ्ज़ कहा था शायद आपको मज़ा आए, कि मटीरियल किसके पास होता है, लोग तो आजकल मटीरियल पर नहीं जाते ना, इधर उधर से सुना और बस अपने हाफिजे के बल पे काम कर रहे होते हैं, ऐसे लोगों को हम हाफिज कहते हैं, कि हाफिज वाह देखें कैसा मिला है, तो अब वो जो है किसी का भी काम लिया और सुना दिया, कुछ लोग अपने नाम से सुना देते हैं, कुछ नाम लेने की जहमत ही नहीं करते, लेकिन मटीरियल सिर्फ उसी के पास होता है जिसकी मटीरियल होती है,
चले उसके ऊपर बातें हमारी होती रहेंगी, ये खत्म ही नहीं होगा यहाँ कॉमेडी, हमारी बातें होती रहेंगी, शो हम खत्म कर रहे हैं। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच आप सबका कि आप सबने यू नो यू ऑल वॉच्ड संडे ब्रंच एंड ऑफ कोर्स फॉर वॉचिंग टीवी वन ग्लोबल। एंड जाने से पहले मैंने थैंक यू कहना था कैस इंस्पिरेशंस को फॉर प्रोवाइडिंग दिस ब्यूटीफुल डेकोरेशन, और उसके साथ साथ स्पेशल थैंक्स टू रूप साड़ी फॉर प्रोवाइडिंग दिस ब्यूटीफुल वार्डरोब। और जैसे हमेशा आप लोगों से कहती हूँ, जहाँ रहें खुश रहें, ज़िंदगी बहुत छोटी है, लेकिन अगर कुछ गलत होता है तो कुछ कीजिए उसके बारे में, वरना कल वो आपके साथ हो सकता है, खामोश ना रहें आप। एनीवे इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, रमज़ान शुरू हो जाएगा और इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों से। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।